और हमारे गांव में ना टोटल 12 घर है, 12। और आज से 20 साल पहले जाओ ना तो 6-7 थे। और ये थोड़ा बड़ा गांव है, देखो कुत्ते वो ही आए नहीं ना। जो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बना था यहाँ बनाया था मैंने। ग्रांच तो है कुसरे भी कार चली आना था, खाली हाथ नहीं भेज दे। पीछे मेरी नजर पई अंब के दरख्तों पर, ओडड़े अंब लगे दे ना। लाल चाहिए ये मेरी थोड़ा शहर जिया लगया, जिया साडा पुराना शहर है, जम्मू पुराना शहर। आज आपका साथ ना मेरे साथ ज्यादा रहेगा, ठीक है। प्रज्ञा को हम थोड़ा कैमरामैन की भूमिका देंगे क्योंकि प्रज्ञा ने मेरे को जम्मू दिखाया, तो मैं आज थोड़ा सा इसको अपना गांव तो नहीं, अपने गांव के साथ वाला गांव दिखाने वाला हूं, जो हमारे गांव से थोड़ा सा बड़ा है। हाँ। थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है। तो वो दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कैसे पुराने रास्ते हैं और आजकल के जो नए घर बन गए हैं और किसी किसी के पुराने भी अभी भी हैं या किसी किसी के दोनों ही हैं। तो थोड़ा बहुत कहना, ये एक छोटा सा टूर है और इन डिटेल हम कभी फिर आएंगे जिसमें हम बाकियों से मुलाकात करेंगे और उनको भी वीडियो में लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आज ग्रां देखेंगे, ग्रां दाड़वा। अस अपने ग्रां तो 2 किलोमीटर एक दूआ ग्रां जिहदा नां है दाड़वा, उत्थे आए ने आ। ते सागर मिगी अज दाड़वा घुमाउण लगे ने। यहां पे बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग और सैलून भी है और क्या होता है, राशन की भी दुकानें हैं जेड़ियां बंद है, विच तो दिख सकते हो। हां और यहां अंबुजा सीमेंट भी मिलता है। ओ संडे हां झूठ है। हां मैं तो दसनी हां की हो लिया लगता है छोटा जिहा बाजार। क्या मॉल बन रहा है इधर? ये बन रहा मॉल और ये पिल्ले टू पिल्ले पे ना लिखे हैं, मल्टी टायर पार्किंग तो नहीं बन रही कहीं? अलग-अलग अब हम जा रहे हैं गलियों में। हाँ ये हमारा दाड़वे की गलियों में स्ट्रेट हाईवे। ओके विलेज हाईवे और बोलते ना डोनट टक्की चढ़ी जाना। हाँ, ये वो है ते निक्की वाली टक्की है जिससे यहाँ चढ़ी जा रहे हैं। काफी पुरानी बिल्डिंग है ना ये, पता नहीं अंदर क्या है। पक्की घर बना रहे हैं। हाँ सी पर ये काफी भी अच्छी लगती पुरानी बिल्डिंग है, दिखिए ना यहाँ पे पहले अंदर आई थिंक कुछ यहाँ पहले लोग रहते थे। अब ये ना ये रहता है इधर ओके और बैकयार्ड में जाने का रास्ता ना यहाँ से, यहाँ से ये बैकयार्ड जाने का रास्ता है। यहाँ से जाओ पीछे जो इसके कमरे ना दरवाजे हैं उसके उधर। हाँ दरवाजा होगा पीछे वो ऊपर है ना। हम्म ऊपर जाने के लिए यहाँ से रास्ता होगा और पीछे से भी होगा। ये थोड़ा मोहल्ला टाइप सा ना, वो देखो एक वो पुरानी काफी पुरानी खिड़कियाँ वो है ना। हाँ सुंदर लग रही है, मेरे को अच्छी लगती है। शायद मंदिर है। कितना सोना से जा रहा है और इधर एक मंदिर भी है। ये लोहे की बनाई है पूरी जालियां है ना, हैंडमेड है सारी, हैंडमेड है ये सब। ये गांव में खुद ही जोड़ जोड़ के देखो लंबी लंबी पत्तियां काट के ना। हम्म पुरानी जैसे कोई चीजें होती हैं पुरानी चादरें वगैरह उनसे काट फूट के और जोड़ जोड़ के सीधी करके बनाते हैं। अच्छा ये देखो पुरानी खिड़कियां, ये सारे जो बने हुए ना ये जुगाड़ है सब। ये जुगाड़ किस चीज का पता है? ये जो हमारे
सरसों के तेल घी के पीपे आते हैं ना जो तीन वाले डब्बे हैं, ये उनको उसको सीधा करके फिर इससे वो बनाया हुआ है। और ये जो नीचे वाला है ये भी टीन को काट काट के ना ये जॉइंट मारे हुए, ये देखो यही कभी ना थोड़ा सा आगे पंचायत ऑफिस होता है जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और ये सब चीजें बनती है। अच्छा ये देखो पीछे अपने ये भी पुराना घर है किसी का है ना, ये नीचे भी है कोई दरवाजा, ये पुराने दरवाजे हैं। और ये जो लकड़ी है ना इसके ऊपर ऐसे जो मिट्टी का लेप होता है ना वो डाल देते, तो ये पूरा फर्श बन जाता है। नीचे से देखने में लकड़ी दिखती है, ऊपर से पूरा वो प्लेन होता है। ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਦਾਲਵਾ, ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਗਾਉਂ ਮੈਨੇ ਟੋਟਲ 12 ਘਰ ਹੈ, 12 ਪਰ ਅੱਜ ਸੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ 6-7 ਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਗਾਉਂ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਕੁੱਥੇ ਬੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੜਕ कोविड के बाद दो नंबर गली है यहाँ पे, ये पीछे एक नंबर थी, ये दो नंबर गली। और देखना चाहो पीछे आओ, ये सागर अपना गांव टूर कर रहे हैं, विलेज टूर अगेन। जो वहां पे दिख रही है ये लोहे की शीट, ये टीन वाली है इधर भी। टीन कौन से क्यों दे पीपे है ना, इधर कुछ पक्का भी हो रहा है। इधर आओ, इधर ये लकड़ी के पिलर जिसको सपोर्ट दी है पत्थर की, ये देखो इसका जो बेस है पत्थर का है। यार कितनी बार अर्थक्वेक वगैरह भी आता है, बट ये स्टिल ये थोड़ा पुराने हो चुके हैं चीजें, ये देखो ये देखो यार हवा में है आवाज आए। ये लकड़ी है ना 50-50, 100-100 साल पुरानी हो जाती है, लेकिन गलती नहीं, लेकिन इसकी लाइफ होती है, अब इसकी लाइफ खत्म हो रही। थम में साढ़े आ गए थम में, ये देखो इनको पुरानी कुंडी। तो उस भी कमेंट सेक्शन में दस्यो कि कुछ कुछ अच्छे लगते हो ले पुराने दरवाजे, क्योंकि मी दिखिए मैं बड़ी अट्रैक्ट हो नहीं इनकी तरफ। और ये तो पुरानी कुंडी जम्मू में पता नहीं किसने किसने देखी है। हां हां होती है अल्ले भी किश। ये जो दीवार है ये पत्थर की है, और इसमें जो सीमेंट दिख रहा है ना वो सिर्फ इतना लगा है बाहर से, जो अंदर है अंदर इसके मिट्टी की फिलिंग होती है, चिकनी मिट्टी होती है दूसरी, तो उसके साथ जोड़ते हैं। और ये अपने वेट की वजह से ही नहीं हिलता। अच्छा, और ये जो है ये जो ऊपर सीमेंटेड ये लाइन दिख रही है ना तीसरा बारू और जुगाड़ देखो ना। और ये जो दरवाजा ये तो चलो टीना है, ये देखो तो है ये सामने लब्बा रहे कि ये डब्बे है पीपे दे डब्बे जड़े क्यों वाले डब्बे होंगे ना पीपे, ये साइड है ना उसकी जैसे सीधी करके। हाँ, तीन खोली हो रही बर्त सारी तो वो जोड़िए बना रहा थे पूरा जुगाड़। ये देखो यहाँ से दिखाओ जरा, ये जो पत्थर की जैसे दीवार बनाई ना ये अंदर से ये सारे मिट्टी के, अब ये थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं, देखो जो सीमेंट है ना वो सिर्फ बार-बार से। ये प्रॉपर ऐसे लग रहा मोहल्ला है ना, हमारे वाले तो चलो घर काम में जाओ। यहाँ पे सीमेंटेड की लाइंस भी नहीं है, यहाँ से अगर देखोगे देखो सारी मिट्टी है, देखो ये मिट्टी है लाल वाली होती है जैसे, ये वैसी वाली मिट्टी होती है तकरीबन जैसे कुछ वैसी है, 100% नहीं, जैसे घड़े की मिट्टी होती है ना लाल वाली ये वैसी होती है, गीली होकर सॉलिड हो जाती है। पहले तो इन घर को यूज करते थे रहने के लिए, अब थोड़ा सा जैसे एज अ स्टोर यूज कर लेते हैं। अभी देखो पुरानी खिड़की है, इसमें ये सारी जैसे बनाई तो हाथ से ही है,
और ये इसमें रॉड्स है इसका बेस, और ये पत्थर के साथ इसका जो बेस बनाया हुआ है साइड में सिर्फ एक अंदर से पट्टी। पता नहीं क्या है, अंदर से खाली है, बहुत लोग चेंज कर चुके हैं। हाँ। देखो ये जो हाथ से कार्विंग अंदर सारी मिट्टी का वो है, और उधर सारे मक्की लगी थी ये सारे ना। और ये मक्की ना तब तैयार होगी जब पंजाब वगैरह की, जम्मू की, ये नीचे वाले हरियाणा की जब सारी कंप्लीट हो जाती है ना, तैयार हो जाती है पूरी, खत्म होने में आ जाती है, यहाँ से तब सप्लाई शुरू होती है, तब ये तैयार हो जाती है, फिर ये बिकने के लिए तैयार होती है। समझे? ये क्या है पता है? ये छत किस चीज की है? ड्रम। ये है ड्रम। तो ड्रम जो हमारे लोहे वाले पुराने होते थे ना, जो फिल्मों में फटते थे ऐसे, जिसमें तेल होता था, गोली बजती थी, फट जाता था, ये वो वाले ड्रम है। ये वो वाले ड्रम है। और इसको भी वो वाले ड्रम है, मैं दस्ती हाँ। वो ऊपर पेरे पुराने ड्रम जेडे साडे पुराने सारे दे घर हुंदे हे, वो पेरे ड्रम उन्हें की खोली खोलिए इस्तेमाल की तरह। थे गलियां दिखो कितनी छोटी छोटी हैं। ये जो दरवाजा छोटा सा दिख रहा है, ये दरवाजा ही है, ये खिड़की नहीं है। इसमें जैसे जानवर होते ना, उनके लिए घास वगैरह रखते थे पुराने टाइम में, जो नीचे की छत होती थी उसके ऊपर वाले जिसको कहते हट के नीचे। ओके। ये छोटा सा दरवाजा है, आप इसके अंदर जाओ देखोगे तो लोगों ने स्टोरेज का सामान रखा है अपना, तो देखो ग्लास वगैरह थोड़ी सी। नहीं हाय गां दसते दसते ना, पीछे मेरी नजर पई अंब के दरख्त उपर, ओडड़े अंब लगे दे ना लालच आई है। और जिनके आम है ना, वो अंकल जी भी आ गए हैं। हाँ, वो पीछे अंकल जी भी आ गए हैं, अंब लगे रहे थे बड़े बड़े, मैं तो बैक कैमरे च दसती हूं, मुझे नहीं पता कैमरे च कितने बड़े लग रहे हैं, बट ये सीरियसली बहुत बड़े अंब। मैं बताता हूं लंगड़ा अंब, अंकल ही पूछने के लिए दिखाओ और फिर ये वाले दिखाओ, पता चल जाएगा। ये बड़े वाले आम है, इधर छोटे वाले हैं। और इधर और यहाँ प्यार देखो, ये डॉगी है और एक ही घर में रहते हैं ये, किसके साथ? इनके साथ। हेलो। अच्छा भाई मामा के दादी तकड़ी अब तुझे दिल्ली ने आ रही भूल ली मैं ग्रां च तो कुसे भी घर चली आना तो खाली हाथ नहीं भेज दे अहें अंदर तो नहीं जा पाए पहले टाइम हो रहा पर अंकल ने जाते जाते जरूर भेजे तुम्हें दिखा रहे अम्ब अच्छा लगता हवा बहुत अच्छी चला दी बड़ा शैल मौसम है पीछे हरियाली हरियाली है ग्रां की लाइफ कदम दिखी दी नहीं है हूँ दिखा नहीं है ग्रां के लोगों के मिलने का मौका मिला रहा पहले भी मिलता हाँ तो अच्छा लगा रहा शैल है ग्रां दाड़वा जो कि कसोली च पौंदा है तो मेरे ग्रां का नाम मरेटे है ये चट्टू बट्टा ये वो है कूटने के लिए हाँ इसके लिए बड़ा सा डंडा होता है ना तो मसाले कूटते थे पहले चट्टू बट्टा हमारे तो वो छोटी वाली होती है ना उसको बोलते थे ओखली इसको बोलते थे ओखल बड़ा वाला ये तो फिर थोड़ा बड़ा हमारे घर में था वो प्रॉपर इतनी बड़ी थी इतनी गहरी अच्छा बड़ी वाली देखिए ये ऐसी नहीं देखी मैंने चपटी सी और जो वो बनाई थी वो उसकी जो थिकनेस थी वो इतनी थी प्रॉपर मतलब गोल बाहर लगी होती थी जहाँ पे अभी हमारे वो सीढ़ी बनी हुई है वहाँ पे लगी होती थी तो इतना बड़ा डंडा होता था उससे शादी ब्याह होते थे ना तो गरम मसाला जैसे पीसते थे उसमें पीसते थे इस जगह पे अभी तो पानी गंदा है लेकिन यूजुअली यहाँ से जो पानी भरते हैं कभी ओवरफ्लो होता है तो यहाँ पे कलेक्शन होती है जिससे जानवर पी लेते हैं okay. जैसे मैं कभी किसी ने मुँह हाथ धोया या से साफ किया नॉर्मली तो वो चीज़ है या फिर पौधों में भी यूज कर देते थे क्योंकि यहाँ पे अब तो
पाइपलाइन आ गई है। पहले क्या होता था कि पानी में जैसे जम्मू के हाई एरियाज वाले जो लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, उनको पता है कि पानी के चश्मे होते हैं, नाड़ुए यहाँ चश्मा अलग होता है, नाड़ुए अलग होता है। तो जो वहाँ से पानी उठा के लेके आते थे भर के सर के ऊपर, पीतल के बर्तन होते थे टोकन। यहाँ पे ना पानी की कतर भी बड़ी की जाती है, इवन यहाँ पे बारिश भी होती है ना, तो जो आपके यहाँ पे हट शेप होते हैं तो पानी आता है उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं टैंक में, बड़े टैंक्स में या फिर ड्रम्स में, ताकि वो कल को काम आ सके, या बरसातों के बाद जब जैसे थोड़ा आगे चाहिए खेतों के लिए तो उसको यूज करते हैं। कई लोगों ने बड़े बड़े टैंक बनाए हुए हैं, हमारे घर में भी है दो हैं, एक कवर्ड है एक ओपन है। दाल पकदियां सब्जियां पकदियां लोग जेडे मेरे ग्रां साइड दे सगले गी टोकना आखदे टोकने। ये देखो पिछे सारी मक्की लगी हुई है इत्थे। पहले आप यहाँ से ना ये छोटा सा एरिया दिखाओ, ये इतना सा वहाँ पे और ये छोटा सा जो खेत है। अब इसमें अगर आप देखोगे ये बैंगन का पौधा है, ठीक है, लगे भी हैं। हाँ ये मिर्ची के तीन पौधे हैं, एक दो तीन चार हैं, ठीक है, बीच में धनिया लगा हुआ है और मिक्स सब कुछ। हाँ, लगा पीछे भी बैंगन के पौधे हैं, और अगर इस तरफ तो ये मक्की लगी हुई है, ठीक है, और जो बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं ये अरबी है। दूसरी तरफ दिखाता हूँ, निक्की वाली जगह है और बथेरी चीज है, ये भी कोई फल का पता नहीं किस चीज का, खुमानी ठीक है। और जो ये बीच में बड़े बड़े वाले पत्ते दिख रहे हैं, ये वाले एक तो ये बड़े पत्ते हैं और ये तीन पौधे दिख रहे हैं सामने, ये है बीन, कुछ लोग कहते हैं फ्रांस बीन। तो अब हम जा रहे हैं वापसी अपने ग्राम मरेठे, अपने गांव जाने वाले हैं, और हमारे गांव और इस गांव में बहुत फर्क है क्योंकि वहां पे बहुत कम घर है। हाँ। यहां पे ज्यादा है, यहां पे अबाउट 60-70 घर होंगे, मल्ला लग रहा पूरा। हाँ। तो अपना ग्राम गुजर धरती में तो जी सागर ने दसा की साढ़े पूरे ग्राम सिर्फ 12 घर है, तो अगे पिछे सिर्फ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, दरख्त ही दरख्त लगते हैं, ओ प्रॉपर पहाड़ी इलाका लगता, लेकिन ये मेरी थोड़ा शहर जहा लगया जिया साड़ा पुराना शहर है, जम्मू पुराना शहर रघुनाथ दा टाइप है। ते उम्मीद करने हैं तुसें गी निक्का जिहा व्लॉग जिहड़ा ओह पसंद आया होगा, जे पसंद आया प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और हाँ जरूर आओ इत्थे।